नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और हरियाणा में एक चर्चा आम है जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी अनिल विज सुनता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री की गाड़ी जब घर से निकलती है तो कहीं भी बीच में रुक सकती हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला से हिसार के लिए निकले थे, अचानक नरवाना थाने में उनकी गाड़ी जा पहुंची और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गई। बता दें आपको कि अनिल विज अचानक जैसे ही नरवाना थाने में पहुंचे, वहां पर पुलिस अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और अनिल विज ने एक एक फाइल जो खंगाली, उसके बाद क्या था, पेंडेंसी इतनी थी कि अनिल विज का पारा सातवें आसमान पे आ गया और अनिल विज ने देखते ही देखते एसएचओ सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर डाला। क्या कुछ मामला है दिखाते हैं आपको। तोड़ गया, किसके एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को पकड़ोगे, ट्रेस करोगे, नंबर चेक करोगे, क्या करा तुमने? सर इस बारे में मुझे नहीं और बताएगा, कौन आईओ बताओ, लंबी छुट्टी पे है तो किसको केस तो ट्रांसफर करा होगा, सरकार की तारे चोरी हुई है तो क्या कार्रवाई करें, कागज भर दिए और छुट्टी, चोरों को पकड़ने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरे देखे हों, कोई आसपास पूछताछ की हो? सर ये सीआईए गजट जारी हुआ है सर, सोरे को जारी हुआ है सर। अरे मैं कागजी कार्रवाई तो देख ली, फाइल पे कागज लगे हुए हैं, हुआ क्या, चोर पकड़ा या नहीं पकड़ा? नहीं सर, चोर ट्रेस नहीं हुआ सर। कौन है ये बात करा मेरे? एसएचओ साहब भट्ठा बैठा हुआ है आपके थाने का, जहां हाथ लगा रहा हूं वहीं पर सिर्फ पेंडेंसी मिल रही है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ना जीटीएनएस में चल रहा है, ना पासपोर्ट चल रहे हैं, ना लोगों की केस दर्ज किए जा रहे हैं, बार औरत बैठी है, झगड़ा हुआ और आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। चलो एसएचओ का कमरा कौन सा? एक वो सस्पेंड, एक ये पासपोर्ट वाला सस्पेंड और एक ऐसे जो सस्पेंड मिस मैनेजमेंट ऑफ दिस पार्ट, कंप्लीटली मिस मैनेजमेंट, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर स्टाफ, किसी सीट के ऊपर काम ठीक नहीं हो रहा, लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं कब कब से इंसाफ की दरकार है। जनता बहुत परेशान थी तो कैसे, क्या कुछ खामियां मिली हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत खामियां मिली हैं, किसी भी सीट पर लोगों का काम नहीं हो रहा, कई कई महीनों से हफ्तों से दस्तावेज पेंडिंग है, इसलिए मैंने एसएचओ समेत 5 आदमी को सस्पेंड किया। किसी प्रकार की शिकायत के लिए भी आ जाता तो औचक निरीक्षण दिया गया? नहीं नहीं, मैं तो औचक, मेरी गाड़ी तो चलते चलते रुक जाती है, कहीं भी रुक सकती है, किसी भी कार्यालय में रुक सकती है। स्वास्थ्य विभाग में भी अगर इस तरह का नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। सर आज आज की बात करें तो जैसे हर लोग आप पे विश्वास करते हैं कि न्याय होगा, तो आज भी क्या कुछ लगा कि लोग जो आपसे शिकायत ले गए तो उनको न्याय मिलने की उम्मीद है? नहीं नहीं, एसपी साहब शाम तक ये जितने लोग आए हुए हैं, भाई आ जाओ सारे, आ जाओ। क्या मामला तुम्हारा भाई, बताओ क्या मामला तुम्हारा? टूटिया का कनेक्शन तो थाने ने नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे? नहीं वो तो पब्लिक हेल्थ वाले करेंगे ना, नहीं तो थाने में किसी भी आए, क्या काम था? थाने का काम बताओ, थाने का काम बताओ भाई। सर आज जो सस्पेंड करे उनके बारे में बताओ कि सस्पेंड कौन कौन करेगा थोड़ा सा? एक तो जो यहाँ पर व्यक्ति पासपोर्टों की वेरिफिकेशन कर रहा है, उसकी तरह से कई लोगों की एप्लीकेशन मिली है, इस पर उसने कार्रवाई नहीं की है। एक व्यक्ति टीटीएनएस है हमारा, जिसमें कोई भी मुकदमा अगर दर्ज होता है तो हम उसी वक्त उसको ऑनलाइन करते हैं, उस साथ साथ 8-8 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये मार्केट कमेटी से दरखास्त मिली थी कि जो मुख्यमंत्री जी
की बीमा योजना है जिसमें खेतों में काम करते हुए आदमी की डेथ हो जाती है, वो उनकी रिपोर्ट मांगी, वो पेंडिंग पड़ी है, वो जिसकी डेस्क पे पेंडिंग थी उसको भी मैंने सस्पेंड किया है, इसी प्रकार से मुंशी को भी किया है और SHO को टोट। अच्छा जी, एयरपोर्ट की पट्टी के कारण चंडीगढ़ रोड पर 5 किलोमीटर शहर से खासे हमारे गाँव पट्टी का एयरपोर्ट का स्वागत करते हैं, इतना बड़ा एयरपोर्ट आया है, परंतु हमारा गांव 5 किलोमीटर का 32 किलोमीटर हो गया, गांव उजड़ चुका, जमीने ये सर हमारा और जो मंजूर हो गया रोड अभी दूसरे दिन गया, तो अब हमारी दिक्कत आ गई जी फॉरेस्ट के अंदर। मैं दिखवाता हूँ सर, आपसे बड़ी उम्मीद है आज अपने बगैर के आपको फॉरेस्ट आप करा दे सर, करा दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजिए आइए सर, इसका सर आप सेंटर हो जाए कोई हो गवर्नमेंट तो अपनी अगली बार जी आपका स्वागत यहाँ होगा, आज आ सके आप दो दिन में कटवा दे सुरेंद्र जी गुप्पा जी है मेरे जी। अच्छा अच्छा, आपको बगैर आप नमस्कार सुरेंद्र जी, आप मना आसार थे जी कि बगैर बताए आपसे रोकने लगे पुलिस वाले, माननीय मंत्री जी ऐसे है कि रोड पे हमारी बात सुन के तो हमने आसार थे जी आपका, हम बड़ा भी फोन किया था मैंने आपके पास सुनो भाई जी करते हैं मैं करता हूँ। अच्छा जी बहुत जी सर जी ठीक है ये जाता था शहर जी। अच्छा तो सुना आपने अनिल विज ने क्या कहा कि उनकी गाड़ी कहीं से निकले कहीं भी पहुंच सकती है और किसी भी विभाग में पहुंच सकती है, किसी विभाग में वो छापेमारी कर सकते हैं, अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है, किसी को परेशान कर रहा है, जनता का काम किसी भी तरीके से अगर नहीं कर रहा है तो उस पर गाज गिरना लाजमी है। बने रही आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।